कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और भाई आप जानते हैं उसके उसके तो रुबेस्को की जो एक्टिव साइट है वो दोनों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकती है ओके एंड ये जो बाइंडिंग होती है ना दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव मतलब लड़ाई होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बीच में टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द रुबेस्को एनजाइन ओके तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो नियरली इक्वल होता है ना तो रुबिस्को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है टू बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रुबिस्को का जो एफिनिटी है टूवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो लव है टूवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड इज टू ऑक्सीजन रेशियो नियरली इक्वल हो ओके तो जब सब नॉर्मल कंडीशन होगी तो रुबिस्को किसको ज़्यादा चाहेगा ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड को उसके साथ बाइंड करना चाहता है ओके एंड जो बेसिकली रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो डिटर्मिन करता है कि कौन बाइंड करेगा टू द एक्टिव साइट ऑफ दिस दिसम सपोज अगर ये आपका है तो so, इस, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करना चाहती है और ऑक्सीजन भी तो आपस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में एक कॉम्पिटिशन रहता है टू बाइंड टू दिस पर्टिकुलर एक्टिव साइट ऑफ द ओके बट नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए जब दोनों ही यू नो गैसेस का जो रेशियो है इन वॉल्यूम वो इक्वल नियरली इक्वल रहता है तब ये जो रूबिस्को की एक्टिव साइट है वो ज़्यादा प्रेफर करती है टू बाइंड टू द कार्बन डाइऑक्साइड ओके बट स्टिल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके बाइंड करेगी टू द एक्टिव एक्टिवसाइड

दटमोस्फेयर दैन कार्बन डाइऑक्साइड तब रूबिस्को जो है वो एक्ट करता है एस ऑक्सीजनेस मतलब इस बार वो आर यू बी पी पे कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन को बाइंड करवा देता है ओवर like तो देखिए आपके जो रूबिस्को की एक्टिव साइट थी उस पर जाके बाइंड कर गया दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओके सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बाइंड कर गया आर यू बी पी पे तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए देखिए नंबर ऑफ यू नो कार्बन जो कि आरू बी पी पे थे वो तो कितने थे भाई फाइव ही थे बट ये जो आने वाला सब्स्टेट है वो तो कोई कार्बन कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा ना टू आर यू बी पी इस केस में तो देखिए आने वाला जो सब्सेट था कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना एक कार्बन कॉन्ट्रीब्यूट करता था वट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बट यहाँ ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है जिसके पास खुद का कोई कार्बन ही नहीं है तो क्या होगा ये जो कंपाउंड है उसका होगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और oxidation में अलग अलग कार्बन नंबर के होंगे तो उनमें से एक जो प्रोडक्ट होगा वो होगा थ्री कार्बन कंपाउंड जो कि जस्ट लाइक सेम आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही है, है ना क्योंकि ब्रेक तो उसको थ्री कार्बन कंपाउंड में करना था बट क्या हुआ उसके पास एक कार्बन की कमी रह गई, नहीं तो वो भी टू फॉर्म करता राइट तो उस वो ब्रेक कर जाता है, फाइनली, जो सिर्फ टू करता है, है ना? और उस कंपाउंड को हम बुलाते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट ठीक है तो फॉस्फोग्लाइकोलेट नाम का ये टू कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है जब आर है विद ऑक्सीजन इन दी यू नो एक्टिविटी ऑफ

वेरी वेल well, अगर आप क्लियरली इसको ब्रेक कर सकते हैं वर्ड को तो यू विल गेट एन आइडिया कि यहां पर एक ऐसे रेस्पाइरेशन की प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है जो लाइट की प्रेजेंस में होता है बिकॉज फोटो लाइट राइट सो फिनॉमिना में क्या होता है भाई रेस्पाइरेशन में हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं यही सेम फिन आपको होती हुई नजर आएगी बट एक नॉर्मल रेस्पायरेशन और एक फोटो रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है ये डिफरेंस है कि रेस्पायरेशन लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में होती है यू नो वेरी वेल ना रेस्पाइरेशन डे और नाइट दोनों टाइम चलती रहती है बट फॉर फोटो रेस्पायरेशन टू अकर यू हैव टू हैव लाइट ओके तो लाइट के बिना फोटो रेस्पाइरेशन नहीं हो सकती है दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर फोटो रेस्पायरेशन क्या हुई इट इज अ लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर जस्ट लाइक इन रेस्पाइरेशन राइट वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड But it has to be light dependent process. Okay, remember this thing. चलिए अब ये कब अकर करती है कहाँ आकर करती है सो फोटो रेस्पायरेशन की process बहुत commonly आकर करती है in tropical environment. सो आई होप यू नो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स वो होते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर कंडीशन प्रेजेंट हो तो टेम्परेचर कंडीशन भी हाई हो और लाइट इंटेंसिटी भी बहुत हाई हो ओके, सो ऐसे कंडीशंस में आपको नज़र आती है फोटो रेस्पायरेशन की फिनोमेना। तो जब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में ये दोनों कंडीशंस प्रिवेल कर रहे हैं हाई टेंपरेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कंडीशन दैट इज ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है एटमोसफेयर में वो हायर होना चाहिए दैन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन सो इट नीड्स टू बी हायर तो आपको पता है जब हायर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगा देन वॉट इज गोइंग टू हैपन रूबिस को विल बाइंड ऑक्सीजन और जब रूबिस को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो शो करेगा ऑक्सीजन एक्टिविटी विच विल लीड टू फोटो रेस्पाइरेशन ठीक है सो आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया नाउ सो भाई अगर बात की जाए एक सेल के अंदर ये जो आपके फोटो रेस्पायरेशन की फिनोमिना है वो कहाँ आकर करती है तो विद इन अ सेल एक मिजोफल सेल के अंदर फोटो रेस्पायरेशन

ओके okay. सो so, मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन के अंदर इन तीन ऑर्गेनल्स के अंदर रूबिस्को विल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड शो इट यू नो एक्टिविटी सो क्या होने वाला है देखिए यहां पर जो आपका आर यू बी पी है जो किसका सबस्ट्रेट था रूबिस्को का राइट right? तो रूबिस्को का जो सबस्ट्रेट था आर यू बी पी जो कि फाइव कार्बन कंपाउंड है वो इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइंड कर जाएगा विद ऑक्सीजन अंडर दिस ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक है तो क्या होगा अब जो आर यू बी पी का कार्बोक्सिलेज था ना वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करने की बजाय ऑक्सीजन एक्टिविटी शो करने लगता है तो अब इनिशियली आप जानते हैं अगर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती तो थ्री कार्बन कंपाउंड बनते दो वो भी बट यहां पर तो एक ही बन पाएगा ना बिकॉज यू हैव फाइव कार्बन है ना तो इसका मतलब यहां पर थ्री कार्बन एक कंपाउंड बनता है विच इज फॉस्फो ग्लिस्ट्रिक एसिड और रिमेनिंग जो टू कार्बन बचे वो एक और कंपाउंड फॉर्म करता है विच इज कॉल्ड फॉस्फोग्लाइकोलेट तो so, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है फर्दर सीरीज ऑफ रिएक्शन को अंडोको करता है एंड फाइनली रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड ओके तो आइए बच्चों अब हम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों फोटो रेस्पाइरेशन की जो प्रोसेस थी मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल कंडीशन में आकर करती थी जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एटमोसफेयर में हाई हो और मैंने आपको बताया था फोटो रेस्पायरेशन तीन सेल ऑर्गेनल्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से अकम्प्लिश होती है दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड ठीक है तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे ये जो ऑक्सीजन का लेवल है एटमोसफेयर में दैट इज हायर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन सो हायर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से दिस ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इन इंटू द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल जो कि पार्टिसिपेट करेगी फोटो रेस्पायरेशन में दैट इज क्लोरोप्लास्ट है ना तो क्लोरोप्लास्ट में ये ऑक्सीजन आ गई ओके okay? अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा है वहां पर प्रेजेंट है आपका कौन सा एंजाइम दैट इज रूबिस्को और रूबिस्को को अपने सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नजर आ रही है तो रूबिस्को इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड किससे करेगा ऑक्सीजन से और जब वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो रूबिस को कौन सी एक्टिविटी शो कर रहा है एक्टिविटी राइट सो रूबिस को एक्टिविटी शो करते वक्त क्या करेगा अपने सबस्ट्रेट दैट इज राइबिलोज या सिंपली जिसको हम राइबिलोज वन फाइव बिस्फेट भी कहते हैं बिकॉज फॉस्फेट्स की जो पोजीशन है इस शुगर में वो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे है ओके तो राइबिलोज बिस्फेड ऑक्सीजन से बाइंड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम दैट इज रूबिस्को और इस बार रूबिस्को शो कर रहा है अपनी ऑक्सीजनेज़ एक्टिविटी, ओके ओके सो बनता है भाई क्या बनता था आपको जानते हैं कि यहां पर राइबुलोजॉसफेड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था टू फॉर्म थ्री कार्बन कंपाउंड एंड अ टू कार्बन कंपाउंड तो थ्री कार्बन कंपाउंड बनता था आपका थ्री फॉस्फो एसिड और जो टू कार्बन कंपाउंड बनता था दैट वॉज टू फॉस्फो ग्लाइकोलेट राइट तो यहां पर फॉस्फोग्लाइकोलेट नाम का ये जो कंपाउंड बना ये फर्दर सीरीज ऑफ रिएक्शंस अंडरगो करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो आइए देखते हैं कैसे सो तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट यहां क्लोरोप्लास्ट में फॉर्म हुआ था वो सबसे पहले एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है रिलीज करेगा सो तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया फ्रॉम दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट तो फॉस्फोग्लाइकोलेट ने जब फॉस्फेट दे दिया तो अब इसके नाम से फॉस्फो हटा दीजिए तो क्या बन गया ग्लाइकोलेट तो ये फॉसफो ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और पहुंच जाएगा नेक्स्ट सेल में इज ठीक है यहां तक सब क्लियर ओके तो ग्लाइकोलेट पहुंच गया कहां में अब इस ग्लाइकोलेट का होगा ऑक्सीडेशन बाय एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ इस ग्लाइकोलेट में और ये ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो गया इनटू टू राइट तो ग्लायजिलेट का फॉर्मेशन भी यहां नजर आया तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर यूटिलाइज हुआ था ना टू रिएक्ट विद ग्लाइकोलेट उसकी रिएक्शन के दौरान एक बाई प्रोडक्ट बनता है विच इज अ पर ऑक्साइड कॉल्ड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सिंस ये रिएक्शन हो रही है किसमें भाई योर पर ऑक्सीजोम में तो यू नो वेरी वेल यहाँ पर परॉक्साइड का मेटाबॉलिज्म देखने को मिलना चाहिए और वो कब हो सकता है जब एक परॉक्साइड वहाँ प्रेजेंट हो तो वो पर ऑक्साइड बनता है ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोलेट इन टू ग्लायक्सीट तो यहाँ हाइड्रोजन परोक्साइड बन गया एंड यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन परोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हो सो इट इज गोइंग टू बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट ठीक है तो लेटर ऑन कैटलीज नाम का एंजाइम जो है वो क्या करता था इस परसाइड को नॉन टॉक्सिक वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है ओके okay? सो so उसका यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट टॉट यू फॉर इट इन्फॉर्मेशन सो देखिए ग्लाइक्सीट बन गया अब ये जो ग्लायक्सीट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवर योर इंटू ऑबियसली एक अमाइनो एसिड पर सो फॉर्मेशन होता है एक अमाइनो एसिड का नेम ग्लाइसिन और ये ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड रीच कर जाता है टू द माइटोकॉन्ड्रिया अब माइटोकॉन्ड्रिया के ये मैट्रिक्स में पहुंच चुका है नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ये जो ग्लाइसिन यहाँ पहुंचा अब इसका होगा डी कार्बोक्सिलेशन एंड डी एमिनेशन बिकॉज अमाइनो एसिड है ना तो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है सो कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म में होगा और इस प्रोसेस को ही तो हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन तो यहां पर देखिए ग्लाइसिन ने अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया ओके एंड डी भी हुआ मींस रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया तो देखिए अमोनिया भी रिलीज हो गई इट तो देखिए हमको तो इससे मतलब था ना देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो गया है यहां पर ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ इस प्रोसेस के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ एंड दैट इज वाई इट इज अ रेस्पायरेटरी प्रोसेस राइट

फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन देखने को मिलेगा जब ये ग्लिसरेट ट्रैवल करेगा फ्रॉम परोक्सीजोम बैक टू द क्लोरोप्लास्ट तो नाउ ये जो ग्लिसरेट है वो जब ट्रैवल कर रहा है तब देखिए एक एटीपी मॉलिक्यूल अपना यू नो फॉस्फेट प्रोवाइड कर देता है इस ग्लिसरेट को तो इसके नाम के आगे लगा लीजिए फॉस्फोवर्ड तो ये बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट तो यहाँ पर थर्ड कार्बन पे क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ वी कॉल द प्रोडक्ट एज थ्री फॉस्फोग्लिसरेट और थ्री फॉसफो ग थ्री फॉस्फो गिस्ट्रिक एसिड बन गया अब ये थ्री फॉस्फो एसिड आपकी कहां एंटर करेगा इन टू द सी थ्री साइकिल जो कि नॉर्मली आकर कर रही होगी ना कैलवेन साइकिल अब आपको पता है थ्री फॉस्फो एसिड से नो जब केल्विन साइकिल चल रही होती है तो एक स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं रीजेनरेशन ऑफ आरयूबीपी तो भाई ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वही सीरीज ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा केल्विन साइकिल की और रीजेनरेट करेगा आपके ओरिजिनल सबस्ट्रेट यानी कि आरयूबीपी को ओके सो तो आरयूबीपी का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू अगेन तो देखो इस प्रोसेस के दौरान क्या-क्या चेंज देखने को मिला पहली चीज ऑक्सीजन का कंजम्पशन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल टू जस्टिफाई ये एक रेस्पाइरेशन प्रोसेस है लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है दैट इज वाई इट इज फोटो रेस्पाइरेशन और यहाँ पर इंस्ट की कोई ए बनता ए टी इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब यहाँ पर कोई भी एसिमिलेटरी पावर बन नहीं रही है बल्कि यूटिलाइज की जा रही है सो अगेन ये प्लांट के लिए एक नुकसानदायक प्रोसेस हुई इज इंटेड एंड अनदर थिंग इज यहाँ पर जो आपका शुगर था जिस आर यू बी पी का इस्तेमाल करके प्लांट कैलविन साइकिल परफॉर्म करता था और ग्लूकोज का सिंथेसिस करता था उस आर यू बी पी का कोई प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हुआ इंस्टेड वो आर यू बी पी ब्रेक होता जा रहा है और हर बार एक आर यू बी पी जब एक फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे को फॉलो करेगा तो उसमें से एक कार्बन लॉस होता जाएगा राइट तो यहाँ पर आपको कार्बन का लॉस देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड

ओके okay. सो so, इसीलिए हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस और अ हार्मफुल प्रोसेस फॉर द प्लांट्स व्हाई आई हैव रिटन डाउन द द्री रीजन पहली चीज यहां पर कोई एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्मड नहीं हो रहा है इंस्टेंट यूटिलाइज हो रहा है जैसे कि एटीपी एंड बोथ एनएडीपीएच जो कि दी एसिमिलेटरी पावर्स थे वो इंस्टेंट ऑफ बीइंग यू नो फॉर्मड हियर वो यूटिलाइज हो जा रहे हैं सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रीजन सेकेंडली इट ब्रेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो उसका इस्तेमाल किया जा सकता था टू फॉर्म ग्लूकोज और द शुगर्स वो ब्रेक किए जा रहे हैं टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट की जितनी मेहनत से उसने अपनी शुगर बना बना के रखी थी वो सारी शुगर को तोड़ रहा है ये प्रोसेस और तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हर कार्बन को रिलीज कर दे रहा है तो so, जो कार्बन रिलीज होता है या लॉस हो जाता है एज कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट बी रिट्रीव्ड बैक वो वापस नहीं आएगा फॉर द प्लांट इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी अ हार्म

तो बच्चों मैंने आपको बताया था सर्टेन प्लांट्स जो कि ट्रॉपिकल में, में ग्रो करते हैं वो एक बैड फिनोमिना शो करते हैं ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द रूबिस और क्या थी वो प्रोसेस या दैट वॉज फोटोरेस्पाइर इज इंडेड और फोटो रेस्पाइर में क्या हो रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेदर ब्रेक डाउन हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइट तो वो एक एक करके कार्बन को लूज करते जाते हैं एस कार्बन डाइऑक्साइड रैदर देन वो उनको इस्तेमाल करते टू फॉर्म सो करतेटन ट्रॉपिकल प्लांट्स ने अपने आप को इवॉल्व किया इस तरीके से ताकि वो अवॉइड कर सके उस यू you नो know, फोटो रेस्पायरेटरी लॉस ऑफ कार्बन को सो ऐसे प्लांट्स में जब यू नो स्टडी की गई तो पता लगा कि सर्टेन ट्रॉपिकल प्लांट जो कि ये फिनमिना शो करना नहीं चाहते थे वो अपने आप को इस तरीके से चेंज करते हैं कि उनकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन प्रोसेस है उसमें बनने वाला पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो थ्री कार्बन कंपाउंड नहीं होता है वो एक फोर कार्बन कंपाउंड होता है इसीलिए ऐसे प्लांट्स को

उसकी बजाय आपको एक फोर कार्बन कंपाउंड ऑक्लो एसिडिक एसिड बनता हुआ नजर आता है ओके सो मोस्टली आपको टेम्परेट प्लांट्स जो है वो सी थ्री प्लांट देखने को मिलेंगे जिनमें क्या बनता है एसिड एज अ थ्री कार्बन कंपाउंड बट वेन वी टॉक ऑफ सर्टन ट्रॉपिकल प्लांट्स जो कि सी फोर प्लांट्स की तरह यू नो बिहेव करते हैं सो दे विल फॉर्म फोर कार्बन कंपाउंड एज फर्स्ट फर्स्टेबल प्रोडक्ट ठीक है ऐसे प्लांट्स को हम सी फोर प्लांट्स कहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया एंड ये प्लांट्स के पास बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज होती हैं दे आर टॉलरेंट टू हायर टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटीज बिकॉज ये ग्रो कहां कर रहे हैं दे आर ग्रोइंग इन दी ट्रॉपिकल रीजन ना ट्रॉपिकल रीजन में हायर लाइट इंटेंसिटीज और हायर टेम्परेचर की कंडीशन ऑलरेडी प्रेविलेंट है और वही ट्रिगर करती थी फोटो रेस्पायरेशन जैसी बैड प्रोसेस को आकर करने में सो so, ऐसे प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं टू दीज कंडीशन ताकि वो अवॉइड कर सके फोटो रेस्पायरेशन को राइट right? ठीक है और एग्जाम्पल के तौर पे आपको कौन कौन से सी फोर प्लांट्स देखने को मिलते हैं तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्होंने ये मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है ताकि वो फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड कर लें सो दे आर मेज राइट मेज के बाद आपको देखने को मिलता है द शुगर केन ओके एंड इन फैक्ट द सोर्गम एंड मेनी ग्रासेस ओके सो मोस्टली अगर आप देखोगे सी फोर प्लांट्स मेजोरिटी ऑफ केसेस में मोनोकॉर्ड्स होते हैं बट कुछ ऐसे आपको डायकॉर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं सो एग्जाम्पल के तौर पर विच आर मैं सो यू हैव टू रिमेंबर शुगर केन इन एज एन एग्जाम्पल द ग्रासेज ओके मेज एंड सॉर्गम ओके राइट चलिए अब इन सी फोर प्लांट्स के अंदर एक यू नो बहुत स्पेशल फीचर प्रेजेंट होता है यू नो आप कैसे पहचान सकते हो एक प्लांट सी थ्री प्लांट है या सी फोर प्लांट है तो सी थ्री और सी फोर प्लांट को डिस्टिंग्विश करने के लिए उनकी लीव्स को अगर हम एनालाइज करें तो उनकी लीव शो करती है एक स्पेशल टाइप की एनाटमी सी फोर प्लांट्स की राइट तो सी फोर प्लांट्स की जो स्पेशल एनाटॉमी होती है जिससे वो पहचाने जाते हैं उसे हम कहते हैं क्रांस एनाटॉमी ओके सो रिमेंबर दे अ कैरेक्टरिस्टिक लीफ एनाटॉमी नोन एज द्रांस एनाटॉमी तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या होती है क्रांस एनाटॉमी तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी क्रांस एनाटॉमी विच इज सीन इन द सी फोर प्लांट्स तो जब भी वर्ड आता है क्रांस एनाटॉमी तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दे थिंक की क्रांस वर्ड जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है

जब बोला जा रहा है क्रांस एनोटमी तो एनॉटमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सच लीव देखने में आपको कुछ उसमें ऐसा देखने को मिलेगा जो कि रिंग या रीथ लाइक मैनर में प्रेजेंट होगा राइट सो so, क्या है वो जो स्ट्रक्चर जो कि आपको रिंग लाइक मैनर में देखने को मिलेंगे सो फर्स्टली वन इज द मीजोफिल सेल्स एंड द अदर इज द बंडल शीत सेल्स सो आई होप आपको लीव की एनोटमी याद होगी एक लीव की एनोटमी में आपने देखा था सेंट्रल में आपको वैस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में नजर आते थे द जो ring -like में है। तो, तो देखिए उसका ये वैस्कुलर बंडल है और इस वैस्कुलर बंडल को सराउंड करते हुए आपको नजर आते हैं दिस बंडल शीत सेल जो कि बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेज होते हैं बैरल शेप्ड होते हैं सराउंड right? so, करते हुए यानी कि इन बंडल शीत सेल्स को भी सराउंड करते हुए आपको नजर आते हैं हैंगुलरली प्लेस्ड मीजोफिल सेल्स जो कि ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करते थे लीफ का राइट तो मीजोफिल सेल एक नॉर्मल सी-थ्री प्लांट के अंदर जो हैं वो कैसे अरेंज होंगे दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इेगुलरली प्लेस्ड बट बंडल शीत सेल्स रिंग के मैनर में अरेन्ज होते थे तो ये तो एनाटॉमी थी एक सिंपल सीथ लीफ की बट लेट मी टेल यू एनाटॉमी इन केस ऑफ सी फोर प्लांट कैसी नजर आती है तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर वैस्कुलर बंडल को सराउंड करते हुए बैरल शेप्ड आपको बंडल शीथ सेल्स तो नजर आ रहे हैं जो कि रिंग के मैनर में है और साथ ही साथ इन बंडल शीथ सेल्स को सराउंड करते हुए आपको मीजोफिल सेल्स भी जो नजर आते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ रिंग ओके okay, तो अनलाइक दी थ्री प्लांट जहां पर सेल्स इला प्लेस प्लांटोमी में ओके तो okay, so इसका मतलब ये जो रिंग लाइक अरेंजमेंट है ना दिस इज is इज is to टू एज द anatomy so सो आई होप यू गॉट द बेसिक कि कैसे प्लांट और C4 plants में जो वेरियस सेल्स है उनका arrangement डिफर करेगा ओके okay? तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्रैम्स एनाटॉमी तो जैसा कि क्रैम्स एनाटॉमी में मैंने आपको बताया था रिंग लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलता था मीजोफिल सेल्स का एंड बंडल शीत सेल्स का अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है इन मीजोफिल सेल्स और बंडल शीत सेल्स में प्रेजेंट जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भी डिफर करते हैं इन देयर फॉर्म्स राइट सो दे डिफर इन देयर फॉर्म्स एंड दे एग्जिस्ट एज डायमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट मतलब क्रांडोमी का अनदर फीचर आफ्टर रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ दीज टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो वर्ड डायमोर्फिक का क्या मतलब है डाय टू मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म्स तो मतलब दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हुए नजर आते हैं आपको क्लोरोप्लास्ट इन दीज टू सेल्स सेपरेटली ओके सो लेट अस सी कैसे क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और कहाँ देखने को मिलते हैं सो वेन वी टॉक अबाउट द मीजोफिल सेल्स तो मीजोफिल सेल्स में जो प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एक नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है जो कि आपको नॉर्मल प्लांट के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं ना तो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट में आपको ग्रैना देखने को मिलते थे ना द स्टैक ऑफ दोज मेनी थाइलाकोइड्स टुगेदर है ना तो इसका मतलब ऐसा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वी कॉल इट ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट ठीक है और अगर हम बात करें बंडल शीत सेल्स की तो बंडल शीत सेल्स में जो आपको यू नो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं दे आर

अमाउंट में प्रेजेंट होने वाले हैं इन कंपेरिजन टू द ग्राना एंड ऐसे टाइप के क्लोरोप्लास्ट यू डू नॉट सी मेनी ग्राना वी कॉल सच क्लोरोप्लास्ट ए ग्रैनल बिकॉज ए मीन्स होता है विदाउट एंड ग्रैनल मतलब ग्रैनम ओके सो अगर मैं एक कंपैरिजन लूँ देखिए एक चीज आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट अगर मैं ग्राना को ड्रॉ करूं लेट्स सी वन ग्रैनम लेट्स सी मैंने ये ग्रानम को ड्रॉ किया है जिसको हम यहाँ देख पा रहे हैं तो इसके आपको दो रीजन नजर आते हैं एक यहाँ से लेकर यहाँ वाला रीजन जिसके जिसमें प्रेजेंट जितने भी थाइलाकॉइड्स हैं इनका एक भी सरफेस फ्री नहीं है इनको हम क्या कहते थे दे आर दी अप्रेस्ड पार्ट्स या अप्रेस्ड रीजन ऑफ दी ग्रैनम ओके एंड जो ऊपर वाले आपको ये नजर आ रहे हैं सी दीज टू ऊपर और जो सबसे नीचे वाला है टॉप एंड बॉटम वन इनका देखिए एक एक सर्फेस फ्री है इसका ये ऊपर वाला और इसका ये नीचे वाला ये दोनों जो सर्फेस फ्री है ना दे रिप्रेजेंट वॉट दी नॉन अप्रेस्ड रीजन अब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी अप्रेस्ड रीजन में कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट है फोटो सिस्टम सेकेंड रिमेंबर दस थिंग एंड नॉन अप्रेस रीजन में जो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है दैट इज ओनली फोटो सिस्टम वन राइट सो ये चीज़ आपको याद रखनी है सो वेन वी टॉक अबाउट अ ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट तो वहां तो अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन दोनों प्रेजेंट है तो इसका मतलब मीजोफिल सेल्स में पाए जाने वाले ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में आपको फोटो सिस्टम वन एंड सेकेंड दोनों देखने को मिलेंगे सो फोटो सिस्टम वन भी प्रेजेंट होगा एंड फोटो सिस्टम सेकेंड भी प्रेजेंट होगा इस बात को आप याद रखिए बट अगर मैं बात करूँ इस ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट की तो जब ग्रैना नहीं होगा तो ओबियसली ये अप्रेस्ड रीजन तो नहीं होंगे ना देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस थाइलाकॉयड को इस थाइराकॉड को तो इसका ये वाला सरफेस इसका ये वाला सरफेस इसका इन स्ट्रोमा लैमिले के ये दोनों सरफेस जो हैं दे आर गोइंग टू बी फ्री और जब इनके पास फ्री सर्फेस प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग द नॉन अप्रेस्ड रीजन और अगर नॉन अप्रेस्ड रीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है उनके पास आपको फोटो सिस्टम देखने को मिलेगा नॉट फोटो सिस्टम सेकेंड सो रिमेंबर यहाँ पर आपको सिर्फ फोटो सिस्टम वन ही देखने को मिलता है एंड फोटो सिस्टम सेकेंड इज गोइंग टू बी एबसेंट आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेल ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लोरोप्लास्ट अब देखिए मिजोफिल सेल के स्ट्रोमा में हमने अभी तक सी प्लांट्स में देखा था प्रेजेंट होता था एक एंजाइम जो कि आपके यू नो आर यू बी पी को फिक्स करता था और उस एंजाइम को हम बुलाते थे रूबिस्को इट बट सी फोर प्लांट्स के मीजोफिल सेल के स्ट्रोमा में यू विल नॉट को रूबिस्को रूबिस्को इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर और इन यहां पर जो एंजाइम प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड पेपकेस रिमेंबर so क्या कहलाएगा वो एंजाइम पेपकेस वाइल जो रूबिस्को एंजाइम है वो मिलेगा आपको बंडल सेल के के अंदर प्रेजेंट जो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट उनके स्ट्रोमा में यानी कि ए स्ट्रोमा में आपको नजर आएगा रूबिस्को एंजाइम तो देखिए डिफरेंस कहां आया साइट ऑफ रूबिस्को चेंज हो गई इन केस ऑफ सी थ्री प्लांट रूबिस्को वॉज प्रेजेंट इन दि स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफल सेल्स राइट वाइल अगर आप बात करें सी फोर प्लांट्स में तो रूबिस को प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ योर बंडल शीत सेल्स आई होप यू गॉट दिस एज वेल राइट ठीक है तो मैंने आपको साइट्स बता दिए चेंज हो गया भाई रूबिस को आपका आप कहाँ मिलेगा बंडल शीत सेल्स में फाइन ओके okay. और एक और चीज मैंने आपको जब यू नो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस भी पढ़ाया था या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉसफर रिलेशन भी बताया था तो मैंने बोला था फोटो सिस्टम सेकेंड से अटैच्ड आपको यू you नो know, एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता था जो कि फोटोलिस कराता था, था वाटर की राइट right? तो इसका मतलब अगर फोटो सिस्टम सेकेंड जिधर भी प्रेजेंट होगा वहां पर वो एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में जब वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन या रिलीज होता है तो ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट होगी ना तो इसका मतलब यहां पर वाटर की स्प्लिटिंग भी होगी एंड वाटर की स्प्लिटिंग अगर होगी तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी बट अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर टाइप के क्लोरोप्लास्ट की मैंने बोला यहां पर फोटोसिस्टम सेकेंड तो है ही नहीं तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी ना सो so, वाटर का जो रिलीज है दैट इज गोइंग टू बी एबेंट पानी नहीं टूटा तो पानी अगर नहीं टूटेगा तो आप जानते हैं ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी ओके सो वाटर का ब्रेकडाउन भी नहीं होगा ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगी तो इसका मतलब जो रूबिस एंजाइम यहां प्रेजेंट है इस ट्रोमा में वो कभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और रूबिस को जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं आएगा उसको ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो रूबिस को कभी भी आर बीपी को ऑक्सीजन से बाइंड होने नहीं देगा मतलब वो अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कभी शो नहीं करेगा एंड दिस इज द एवोल्यूशन जो C4 प्लांट्स ने अपने अंदर यू you नो know, एक तरह से एक्यूमलेट किया कि वो यू नो अवॉइड करते हैं रूबिस्को की बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन बाय अडेप्टिंग दमसेल्स विद द यू नो प्रेजेंस ऑफ ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर फोटोसिस्टम सेकेंड ही नहीं है तो बगल में लगा हुआ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व ही नहीं होगा ऑक्सीजन जब प्रेजेंट ही नहीं होगा इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट के एन्वायरमेंट में तो रूबिस्को सिर्फ बाइंड ही नहीं करेगा रूबिस्को बाइंड नहीं करेगा तो फोटो रेस्पायरेशन होगी नहीं ना क्योंकि फोटो रेस्पायरेशन रूबिस्को की ऑक्सीजन एक्टिविटी की वजह से होती थी सो so, इस तरीके से आप देखोगे कि इस टाइप के प्लांट्स जो हैं दे आर वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स तो बच्चों अब हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं द एंटायर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सी फोर पाथवे और द दैच एंड स्लैक पाथवे तो सी फोर पाथवे को सी फोर पाथवे क्यों बुलाते थे बिकॉज यू नो द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है दैट इज गोइंग टू बी अ फोर कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ऑक्जैलो एसिटिक एसिड और इसको हैच एंड स्लैक पाथवे क्यों बोलते हैं भाई क्योंकि इस एंटायर पाथवे को डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एम डी हैच और सी आर स्लैक ने ठीक है सो रिमेंबर इस वजह से इसको हैच एंड एंडलैग पाथवे भी बुला सकते हैं और खासियत क्या है इस एंटायर पाथवे की तो ये एंटायर पाथवे जो है इन्वॉल्व करता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्वाइस टू टाइम्स उसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन दो बार होगा इस पाथवे के दौरान ओके okay, कहां, कहां पहली बार होगा मीजोफिल सेल में और दूसरी बार होगा बंडल बंडलशीट सेल में तो अगर मैं इसको तो देखिए इस अगर आप देखोगे क्या कंडीशन हैं तो देखिए मिजोफल सेल में एंटर कर रही है आपकी सपोज कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर करेगी मिजोफल सेल में तो देखिए यहां पर मिजोफल सेल के साइटोप्लाज्म में यू विल फाइंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म वॉट कार्बोनिक एसिड अब ये कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक करेगा टू फॉर्म H प्लस आयन एंड दिस बाइकार्बोनेट आयन राइट तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेसिकली यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है बायोकार्बोनेट आयन ना ये जो बायकार्बोनेट आयन है ये इस सेल के यानी कि मिजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा विच इज कॉल्ड सिंपली इनऑल एज पीईपी ओके तो पेप सिंपली आप कह सकते हो तो अगर पूछा जाए कि पहली वाली जो फिक्सेशन हो रही है उसमें प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कौन है तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज कॉल्ड फोसफो इनऑल ओके okay? या आप सिंपली इसको कह सकते हो एक ऑर्गेनिक एसिड है ये क्योंकि इट इज फॉस्फो इनॉल पायरोट या फिर फॉस्फो इनॉल पायरोबिक एसिड ओके सो okay? so, ये एक थ्री कार्बन कंपाउंड है याद रखिए अब ये थ्री कार्बन कंपाउंड ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को बायकार्बोनेट फॉर्म में एक्सेप्ट किया और आप जानते हैं तीन कार्बन ऑलरेडी थे और एक कार्बन बायकार्बोनेट के फॉर्म में आ गया तो टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट हुए फोर कार्बन तो नाउ दिस ऑर्गेनिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इन टू अ फोर कार्बन एसिड इसलिए इसको हम सी फोर एसिड कहते हैं और वो सी फोर एसिड जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑफ दिक्सेशन है ना तो इसका मतलब उसका नाम क्या होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑक्जैलो एसेटिक एसिड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था राइट तो ऑक्जेलो एसेटिक एसिड यहां पर बन जाता है तो सिम्स यहां पर एडिशन ऑफ वन कार्बन हुआ है ना टू दिस थ्री कार्बन इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कार्बोक्सिलेशन ओके okay, मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द सबस्टेट इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिलेशन तो कार्बोक्सिलेशन यहां पर हो गया C4 एसिड का फॉर्मेशन हो गया दैट इज ऑक्सैलो एसिड अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैलिक एसिड व्हिच इज अगेन व्हाट अ फोर कार्बन कंपाउंड तो मैलिक एसिड यहां फॉर्म हो गया अब ये मैलिक एसिड एक बार जो बन गया ये

कनेक्टेड बाई दर साइट्रोप्लाजम और वो साइट्रोप्लाजम कनेक्टेड क्यों है दे आर कनेक्टेड बाई एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ प्लाज्डा तो इनकी जो प्लाज्डा का स्पेस है ना दैट इज कनेक्टिंग द साइट्रोप्लाजम ऑफ दीज टू टाइप ऑफ सेल्स तो आपको मीजोवल सेल और बंडल छीत सेल के साइट्रोप्लाजम कनेक्टेड नजर आते हैं फॉर्म हुआ दैट विल ट्रेवल अलोंग दिस पाथवे प्लाज्मोडेमेटा के थ्रू इट इज गोइंग टू रीच इन टू द बंडल शीत सेल्स I hope इतनी आपको समझ हो so, क्या -क्या हुआ यहां पर जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन दिस केस ओके तो पेप जो है वो पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है और फाइनली इन दोनों की रिएक्शन की वजह से फॉर्म होता है एक फोर कार्बन कंपाउंड और फोर कार्बन ऑर्गेनिक एसिड कॉल्ड ऑक्लो एसिटिक एसिड और इस रिएक्शन को फैसिलिटेट कराने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज गोइंग टू बी पेपकेस बिकॉज फॉसफो इनॉल पायरोट और दिस इज कार्बोक्सिलेस सो रिमेंबर कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी ही शो करता है पेपकेस ओके इसीलिए इसका नाम पेपकेस है सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेप तो देखिए आपका ये जो रिएक्शन है ना फॉस्फोइनॉल पायरोट का रिएक्शन विद दी बाय कार्बोनेट वो फैसिलिटेट कराता है ये एंजाइम ठीक है ओके okay. यहां तक हमने देख लिया अब देखते हैं क्या होता है बंडल शीथ सेल में तो बंडल शीथ सेल में जो आपका मैलिक एसिड पहुंचा दैट इज सी4 एसिड वो अंडरगो करेगा वापस से डीकार्बोक्सिलेशन मतलब एक स्टेप में देखिए पिछले स्टेप में मेसोफिल सेल में कार्बोक्सिलेशन हुआ था मींस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ था टू द सी3 एसिड बट अब यहां पर डी कार्बोक्सीेशन होगा मतलब रिमूवल होगा ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सी फोर एसिड तो सी फोर एसिड जो बना वो अपना एक कार्बन लूज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वापस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ इंटू एसिड आई होप ये आपको समझ में आया और ये जो सीथ्री एसिड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी पायरूविक एसिड तो यह सीथ्री एसिड बन गया व्हाट इज हैपन? ये पायरो वापस से ट्रैवल बैक करेगा इन द मीजोफिल सेल और मीजोफिल सेल में ये थ्री एसिड वापस आ गया मतलब आपका वापस आ गया और ये पायरुबिक एसिड सीरीज ऑफ रिएक्शन अंडोगो करके रीजनरेट कर देगा आपका ओरिजिनल प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर विच इज फॉस्फो इनऑल पायरोट तो पायरो एसिड का कन्वर्जन होना इन द फॉस्फो इनऑल पायरोट रिक्वायर्स टू ए ये बात आप याद रखिए तो दो ए की जरूरत है आपको टू कन्वर्ट यू नो पायरुबिक एसिड और द सी थ्री एसिड बैक इनटू द फॉस्फोइनॉल इन ऑल सो टू ए टी पीज यूज़ किए जाएंगे टू तो फॉर्म या जो टूट जाएंगे इन टू टू ए टी पीज एंड टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ओके तो, 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 okay? तो देखिए दो ए टी पीज यहाँ पर यूज़ हुए हैं वन थिंग Another thing, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस पे रिलीज हुई थी, अब इसका होगा। और इसको इस बार फिक्स करने के लिए कौन सा वर्क करेगा शीट सेल में so, में में, ना होता हो था? इन बंडल शीत सेल तो रूबिस को अब यहाँ प्रेजेंट है तो रूबिस को इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करवाएगा विदिलोजेट और दोनों रिएक्ट करके आगे कैलवेन साइकिल में एंटर कर जाएंगे और कैल्वन साइकिल जब चलती है तो यू नो शुगर इज गोइंग टू बी रिलीज्ड और शुगर इज गोइंग टू बी फॉर्मड ठीक है तो फिओ टू केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा और यहाँ पर ये कंडीशन पूरी बनाई ही क्यों गई थी Because रूबिस को जहाँ प्रेजेंट है जिन मीजोफिल सॉरी जिन बंडल शीत सेल में वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है फॉर गेटिंग फिक्सड वो ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड इज गोइंग टू सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड टू द रूबिस को एनसाइम फॉर बींग यू नो फॉर फिक्सेशन ऑफ द कार्बन ओके तो एक कंटिन्यूस हाई कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है इन बंडल चीज सेल्स अराउंड द रूबिसको ताकि रूबिस्को केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करे टू शो द कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जो कि उसके लिए बेनिफिशियल है प्लांट के लिए राइट ओके सो ये इंश्योर करने का काम था आपके ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होने के दिए जो कि यहाँ पर आपको मीजोफिल सेल के अंदर देखने को मिला था तो मीजोफिल सेल में जो आपको ऑर्गेनिक एसिड बना था ना वो इसीलिए बनाता था कि कार्बन को सेफली पहुँचा सके किसके पास रूबिस्को तक ठीक है ओके okay, अब आपको पता है यहां इस कैल्वन साइकिल के अंडरग्राउंड होने में और शुगर के फॉर्मेशन में आपको अगर याद हो वो बैलेंस शीट सी थ्री साइकिल की तो यू नो वेरी वेल सी थ्री साइकिल में अगर मैं यहां पर इसको वापस से बताऊं सी थ्री साइकिल में एक कार्बन को फिक्स करने के लिए आपको दो एन ए डी पी एच लगते थे और तीन ए टी पीज लगते थे इट right? अगर बात की जाए C4 प्लांट की तो देखिए इस बार आपको एक कार्बन की फिक्सेशन के लिए सेम कैलबन साइकिल तो एक ही बार जा रही है ना तो आपको दो ही एनएडीपी ही लगने वाले हैं बट यहां पर जो C3 थ्री साइकिल है यहां पर तीन ए तो यूज होंगे ही होंगे और देखिए दो ए टीपीज यहां पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं टू रीजनरेट दी प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर दैट इज इनऑल पायरोड और पी एपी तो दो ए टीपी यहां और तीन कैल्बन साइकिल के तो थ्री प्लस टू बिकम्स टू बी यूज टू फिक्स वन कार्बन तो आप कहेंगे सीफोर प्लांट कैसे एफिशियंट हुए कैसे यूजफुल हुए इफ दे आर यूजिंग मोर एनर्जी टू फिक्स वन कार्बन एक कार्बन को फिक्स करने के लिए यहां पर तो ज्यादा एनर्जी खत्म मीनू स्पेंड करनी पड़ रही है जो कि इजिली अवेलेबल कम एनर्जी के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हो जाती थी समझेंगे C4 कि कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ यू नो एसिमिलेटरी पावर जो है वो कंज्यूम होते हैं इन दिस पाथवे। तो आइए बच्चों अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ दी फोर पाथवे पाथवे तो जैसे कि मैंने बताया था C4 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड दो बार फिक्सेशन अंडरगो करती है तो दो बार फिक्सेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, तो कार्बन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कि में कितने कार्बन आइटम होते हैं और एक कार्बन को फिक्स करने के लिए आपको मैंने बोला था दो एन चाहिए और पांच एटीपी चाहिए एक सी फोर प्लांट को तो अगर मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल करना है जो कि सिक्स कार्बन को प्रोसेस करता है तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए अगर आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यानी कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए दो एनएडीपीए चाहिए थे तो सिक्स कार्बन को फिक्स करने के लिए 12 चाहिए होंगे बिकॉज टू एंड यू नो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए इफ यू रिक्वायर्ड फाइव एटीपीस तो छह कार्बन को फिक्स करने के लिए आपको चाहिए सिक्स फाइव दर्टी थर्टी एटीपीस और अगर आप याद करें सी थ्री साइकिल तो सी थ्री पासवे में आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए यानी कि सिक्स कार्बन के फिक्सेशन के लिए टोटल एटीन एटीपीज रिक्वायर्ड होते थे इज इट। बट प्रॉब्लम क्या है यहां पर देखिए ये 18 एटीपीज यूटिलाइज करके ग्लूकोज फॉर्म कर रही है ये 30 एटीपीज यूटिलाइज करके ग्लूकोज फॉर्म कर रही है बट अगर मैं बात करूं यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 12 एटीपीज का ना तो अगर 12 एटीपीज ज़्यादा खर्च करने पे अगर प्लांट अपने यू नो फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे को अवॉइड कर सकता है उस यू नो नेगेटिव प्रोसेस को अवॉइड कर सकता है तो वो प्लांट के लिए बेनिफिशियली है ना सीतरी प्लांट भले ही कम एनर्जी इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर ले रहे हैं बट अगर फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होगी ट्रॉपिकल प्लांट्स में तो वो फिक्सेशन कोई काम का ही नहीं ना क्योंकि जितना उन्होंने कार्बन को फिक्स करने की कोशिश किया वो उतनी बार ब्रेक होता गया बाय अंडरगोइंग गोइंग फोटो रेस्पायरेशन तो उस नेगेटिव फिनिना को अवॉइड करने पर अगर मुझे बारह ए ज़्यादा ही खर्च करने पड़ गए तब भी तो मेरा फायदा ही है ना बारह ए ज़्यादा खर्च करने पर आपने उस नेगेटिव फिनमिना को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया एंड दैट इज़ वाई सी फोर प्लांट्स का जो ये पाथवे है सी फोर पाथवे दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज प्लांट जो कि ग्रो कर रहे हैं इन दी ट्रॉपिकल रीजन ओके okay? तो बच्चों अब हम फाइनली देख लेते हैं कि क्या होती है द सिग्निफिकेंस ऑफ सी फोर पाथवे तो मैंने आपको बताया ही था जो सी फोर पाथवे है वो बेसिकली एडवांटेजेस है ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए बिकॉज फिक्सेशन बाय जो पेपकेज एंजाइम है फॉसफोर इनऑल कार्बोक्सिले एंजाइम जो मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है वो इतना एफिशिएंट है दैट इट कैन क्रिएट हाई एक्मिलेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बंडल शीत सेल क्योंकि अगर ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता तो वो फोर कार्बन कंपाउंड ऑक्जैलो एसिड एसिड नहीं बनता जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सेफली कहाँ नहीं पहुंचा पाता टू द बंडल शीत सेल जहाँ पर रूबिस्को प्रेजेंट है फॉर इट्स एक्टिविटी तो रूबिस्को तक सेफली कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने का जिम्मा किसने लिया है ऑब्वियसली इस फोर कार्बन एसिड में और वो फोर कार्बन एसिड तभी बन पाता जब पेपकेस नाम का एंजाइम मीजोफिल में एक्ट कर पाता सो दिस इज़ वाई पेपकेस की एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल और इसीलिए रूबिस्को तक कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पहुंचती रहेगी रूबिस्को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही शो करेगा टू फॉर्म द द शुगर्स बाय साइकिल राइट और इसीलिए को ओनली पिक्स कार्बन डाइऑक्साइड और जब वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ही कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट में आने ही नहीं वाला है तो वो अपनी ऑक्सीजन एक्टिविटी शो करेगा ही नहीं और फोटो रेस्पाइर होगी ही नहीं एंड दैट इज बाई फोटो रेस्पायरेशन इज गोइंग टू बी इनहिबिटेड ओके तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथेसिस तो बच्चों एक प्लांट कितनी प्रोड्यूस करता है कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो करता है वो डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ कितनी स्पीड से फोटोसिंथेसिस हो रहा है ओके okay? तो so, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना वो अफेक्ट होता है बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स तो इंटरनल फैक्टर्स यानी कि जो प्लांट के फैक्टर्स है और ऐसे फैक्टर्स जो कि प्लांट के अंदर यू नो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है तो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई सबसे पहला फैक्टर है द नंबर साइज एंड द ल के अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट का कितना नंबर है कैसे वो ओरियंटेशन में कैसे वो अरेंज हैं, और क्या उनका साइज है वो एक तरह से फैक्टर है जो कि गवर्न करता है दी प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिस सेकेंडली कितना कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है इन द लीव जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी राइट ओके एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो क्लोरोफिल जो कि एक तरह से ट्रैप करता है सनलाइट को तो ऑब्वियसली अगर क्लोरोफिल का कॉन्टेंट ज्यादा होगा तो मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी फिक्स बिकॉज लाइट एनर्जी ज्यादा एंट्रैप की जाएगी टू यू नो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो इसीलिए ये तीनों फैक्टर्स एक तरह से गवर्न करते हैं दी प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथेसिस बट आवर फोकस वुड बी ऑन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहरी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द फोटोसेंथिसिस जिनको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं तो कौन कौन से हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो पहला फैक्टर डेफिनेटली क्योंकि फोटोसेंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी वुड बी अ वेरी वेरी यू नो क्रूशियल फैक्टर फॉर डिटर्मिनंग द रेट ऑफ फोटोसेंथिसिस सेकेंडली टेम्परेचर थर्ड इज़ कार्बन डाईऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भाई क्योंकि ऑब्वियसली कार्बन डाईऑक्साइड इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल ही कम पड़ जाएगा तो खाना कैसे बनेगा सो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसेंथिस एंड द सेकेंड रॉ मटीरियल दैट इज वाटर उसका भी प्रेजेंट जो है वो गवर्न करेगा रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस को तो आइए बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं एक लॉ को जो कि गवर्न करता है उन फैक्टर्स को जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते थे और इस लॉ को हम कहते हैं ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और इस पर्टिकुलर लॉ को प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एफ एफ ब्लैकमैन इन द ईयर नाइनटीन जीरो फाइव सो ही इज एफ एफ ब्लैकमैन और क्या कहता है इनका लॉ तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड मोर वन फैक्टर then the rate will be determined by factor which is nearest to its minimal value। इसको समझिए इनका मानना ऐसा था अगर एक से ज़्यादा फैक्टर किसी केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का जो रेट होगा वो केवल और केवल डिटर्मिन होगा बाय दैट फैक्टर जो कि सबसे लोएस्ट या मिनिमम वैल्यू में प्रेजेंट हो ओके okay? और उनका मानना यह था ये वो फैक्टर होता है वो जो मिनिमम वैल्यू वाला फैक्टर है ना वो फैक्टर का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी बढ़ाते या घटाते हैं तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है उस केमिकल प्रोसेस को तो मतलब समझने की कोशिश करें अगर हम इसको तो लेटेस्ट एन एनोलॉजी मान लीजिए यू हैव टू प्रिपेयर टी आपको चाय बनानी है और चाय बनाने के लिए यू हैव ऑल द रॉ मटेरियल्स आपके पास पानी भी है यू नो दूध भी है शक्कर भी है और आपके पास लेट से पत्ती भी है चाय पत्ती सो so, मान लीजिए आपके पास दूध जो है वो फाइव लीटर्स प्रेजेंट है यू हैव यू नो एटलीस्ट फाइव लीटर्स ऑफ वाटर ऑल्सो विथ यू यू हैव नो लॉट ऑफ शुगर with यू you. बट you no, आपके पास जो चाय पत्ती है वो केवल एक चम्मच है तो क्या आपकी प्रोसेस टी बन पाएगी एक चम्मच पत्ती से और इतने सारे रॉ मटेरियल से नहीं ना ऑब्वियसली जो चाय पत्ती है वही तो डिटॉमिन करेगी कि कितनी चाय बन सकती है अगर यही चाय पत्ती ज़्यादा होती तो आप ज़्यादा चाय बना सकते थे बट अगर आपके पास चाय पत्ती की ही कम है तो आपको उन सारे एक्स्ट्रा जो रॉ मटेरियल है उनकी इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी यू विल यूज़ ओनली दैट मच जितना कि एक चाय पत्ती इस्तेमाल करने पर चाय बन पाए isn't it? तो इसका मतलब वो फैक्टर वो रॉ मटेरियल जो कि सबसे लोएस्ट या मिनिमम वैल्यू में प्रेजेंट है वो ही डिटर्मिन करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बन पाएगा एट द एंड ऑफ दिस यू नो रिएक्शन सो दिस इज़ व्हाट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर तो जो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल या फैक्टर सबसे मिनिमम वैल्यू में है वो लिमिटिंग हो जाता है फॉर द प्रोसेस टू अकर अगर यही चाय पत्ती ज्यादा अमाउंट में होती तो ये प्रोसेस जो है यह चाय बनने का जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी यू नो मेनी टाइम्स हायर बट सिर्फ चाय पत्ती ही लिमिटिंग हो गई सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो आपकी चाय ज्यादा बन ही नहीं सकती प्रजेंटेड so तो दिस इज वॉट द ब्लैक मैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवर वेरी फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटो दैट इज लाइट तो भाई लाइट डायरेक्टली अपना रोल प्ले करेगी इन अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज यू नो फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ सेल्फ एक लाइट ड्रिवन प्रोसेस है लाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस होते ही नहीं है तो लाइट के अलग अलग फैक्टर्स डेफिनेटली प्लांट के रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे जैसे कि लाइट की क्वालिटी कैसी है लाइट की इंटेंसिटी कैसी है और कितने ड्यूरेशन तक लाइट को एक्सपोज किया गया टू द प्लांट वो सभी डिटरमिन करेंगे द रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस तो एक ग्राफ के थ्रू अगर हम समझें कि रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस लाइट की इंटेंसिटी से कैसे वेरी करेगा तो देखा गया है देखिए अगर मैं ग्राफ बताऊँ तो ये ग्राफ में अगर लाइट इंटेंसिटी वर्सेज रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस को मैं मेजर करूँ तो आप देखोगे जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लोअर लाइट इंटेंसिटी इस

ओके दैट इज गोइंग टू यू नो बिकम क्वाइट जेंटल तो वैसे टर्न होने लगेगा तो so, ये ग्रेजुअली जो रेट ऑफ फोटोसिंथोसि दैट इज गोइंग टू डिक्लाइन और एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करने के बाद एक मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथोसिस रीच करने के बाद यू विल फाइंड जो रेट ऑफ फोटोसिंथोसिस दैट इज गोइंग टू रिमेन स्टेबल इट विल रिमेन अनएफेक्टेड बाई द इंक्रीज इन द लाइट इंटेंसिटी राइट तो आप देखते हो एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही लाइट इंटेंसिटी की आपको मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसेंथेसिस देखने को मिलेगा अब इसके बियॉन्ड अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो उसका रेट ऑफ फोटोसेंथेसिस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला सो लेट अस सी इन सारे पॉइंट्स को तो मैंने बोला लोअर लाइट इंटेंसिटीज पे लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे स्टार्टिंग में उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का रेट बढ़ने लगता है तो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप ओके बट एट हायर लाइट इंटेंसिटीज आप देखोगे ग्रेजुअली जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट नॉट गेट अफेक्टेड और वो अफेक्ट होना स्टार्ट नहीं होता है एज क्या होता है इन पॉइंट्स में आने के बाद बिकॉज इससे ज्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पे जो बाकी के फैक्टर्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना टेम्परेचर वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं लिमिटिंग हो जाते हैं इसीलिए यहां पर एक सर्टेन मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी के बाद यू विल फाइंड कि कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है ऑन okay? नजर आए वी कॉल इट एज सैचुरेशन पॉइंट सो देख रहे हैं आप इस लाइट इंटेंसिटी के बियॉन्ड जाने पर आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई चेंज देखने को नहीं मिला देखिये बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू से अब बस मेंटेन्ड है तो इस लाइट इंटेंसिटी को हम बेसिकली कहते हैं लाइट लाइट पॉइंट पॉइंट और ये जो है, ये जो है फुल सनलाइट का केवल टेन परसेंट है मतलब आपके एनवायरमेंट में जितनी भी टोटल सनलाइट आ रही है उसके केवल टेन परसेंट रिक्वायर्ड होता है टू रीच द प्लांट टू दर मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट मतलब एक प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको रीच करने के लिए यू ओनली रिक्वायर्ड टेन परसेंट ऑफ द टोटल सनलाइट कितनी कम रिक्वायर्ड है इट तो ये इसीलिए कहते हैं लाइट कैन नेवर बी अ लिमिटिंग फैक्टर इन केस ऑफ प्लांट ओनली उन जगहों के अलावा जहाँ पर लाइट यू नो लाइट डायरेक्टली पहुंचती नहीं है फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही डेंस जंगल हो या फिर कोई प्लांट जो कि बहुत ही शेडेड एरिया में हो केवल उन जगह पर लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है वाइल कोई और जगह पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है बिकॉज इतनी कम लाइट तो सब जगह अवेलेबल है

लाइट इंटेंसिटी के बियॉन्ड जाने पर आपकी जो क्लोरोफिल है जो कि डेफिनेटली लाइट सेंसिटिव होती है ओके okay? लाइट से ही एक्साइट भी होती थी वो याद कीजिए फोटॉन्स गिनने पर वो एक्साइट होता था ना और यहाँ पर ज़्यादा लाइट अगर पड़ेगी तो वो डैमेज भी हो जाती है तो क्लोरोफिल जो है वो आपकी ब्रेक भी हो जाती है बियॉन्ड सर्टन यू नो हायर लाइट इंटेंसिटी सो रिमेंबर दिस थिंग लाइट इज गोइंग टू प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं बट सेकंड फैक्टर दटेक्ट थी रेट ऑफ फोटोसेंथेसिस बचे सी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन सो लेट मी यू वन थिंग बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द रेट ऑफ फोटोसिनथेसिस अंडर नेचुरल एनवायरमेंट तो नेचुरल एनवायरमेंट के अंडर में अगर आप देखो कि कार्बन डाईऑक्साइड का जो कॉन्सन्ट्रेशन है ना वो सबसे ऐसा फैक्टर है जो कि हमेशा लिमिट कर देता है रेट ऑफ फोटोसेंथेसिस को एंड आई टेल्यू दैट इन अट सो देखिए अगर मैं बात करूँ एटमोस्फेयर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सो यू नो वेरी वेल टोटल एटमोस्फेयर में जितनी भी गैसेज प्रेजेंट है उसका केवल जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट है वो इतनी नॉर्मल वैल्यू में प्रेजेंट है अब इस वैल्यू को अगर इंक्रीज कर दिया जाए अप ट परसेंट तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट है यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाता है बट अगर मैं इसके बियॉन्ड ले जाऊँ कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को तो वो यू you नो know, एक तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्लाइन करने लगता है डिक्रीज कर देता है एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर एक यू नो कंपैरिजन देने वाला हूँ दो इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रुप्स के दैट इज C3 एंड C4 प्लांट्स के कैसे ये दोनों ग्रुप ऑफ़ प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंटली एक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेटमी यू पहले की सिमिलैरिटी क्या है दोनों में तो ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी उस दिन लो हो और कार्बन डाइऑक्साइड यू नो कॉन्सेंट्रेशन हाई हो तो ऐसी कंडीशन में जब लाइट कंडीशन कम होती है तो जो दोनों ही प्लांट ग्रुप्स हैं नीदर ऑफ दी प्लांट ग्रुप्स शो एनी रिस्पॉन्स टू यू नो दिस कंडीशन दैट मीन्स रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसी कंडीशन जो अर्ली मॉर्निंग्स की है जहाँ पर दिन अभी स्टार्ट ही हुआ है और अभी चढ़ा नहीं है पूरी तरह से तो लाइट इंटेंसिटी उस टाइम कम होगी और मान लीजिए उस एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो लो लाइट कंडीशन में भले ही कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई क्यों ना हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता है राइट right? एंड जैसे जैसे हायर लाइट इंटेंसिटीज आती जाती हैं बढ़ती जाती है तो आप देखोगे दोनों ही प्लांट ग्रुप चाहे सी थ्री हो चाहे सी फोर हो दे शो एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सो दिस इज दीज आर दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैव टू बी नोन वाइल वी आर डीलिंग विद सी थ्री एंड सी फोर प्लांट्स अब बात करते हैं कैसे वेरी करता है यू नो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द इंक्रीज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर मैं एक ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करूं तो एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है एक तरफ रेट ऑफ फोटोसेंथेसिस है तो आप देखोगे जैसे जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे मतलब आप रॉ मटेरियल ही तो बढ़ा रहे हो ना तो देखो स्टार्टिंग में आपको लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा और जैसे जैसे आप हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे यू विल फाइंड ग्रेजुअली ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो स्लाइटली डिक्लाइन करेगा एज एंड एक मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रीच करने के बाद आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे स्टेबल रहता है और ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड थी जिसके बियॉन्ड जाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इस पॉइंट को या इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट जैसा कि लाइट सैचुरेशन पॉइंट था ना लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या था वो लाइट की इंटेंसिटी जिसके बियॉन्ड जाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट ना पड़े वो था लाइट सैचुरेशन पॉइंट वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जिसके ज्यादा जिससे ज्यादा जाने पर कोई इफेक्ट ना पड़े रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे दैट इज गोइंग टू बी सीओ टू कार्बन डाइक्साइड सैचुरेशन पॉइंट C3 थ्री प्लांट्स के लिए है मोर देन 450 फिफ्टी यू नो माइक्रोलीटर्स पर लीटर वाइल अगर हम बात करें इनकेस ऑफ दी फोर प्लांट्स सी फोर प्लांट का जो सी ओ टू सेचुरेशन पॉइंट है दैट इज थ्री सिक्सटी माइक्रोलीटर्स पर लीटर तो देखिए कैसे अफेक्ट है देखिए जो नेचुरल कंडीशन में जो जीरो पॉइंट जीरो थ्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना दिस इज इक्वे वैलेंट टू थ्री सिक्सटी माइक्रोलीटर्स ऑफ यू नो पर लीटर तो मतलब जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतनी ही है और ये जो अमाउंट ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है इट इज़ मैचिंग विथ सी फोर प्लांट्स मतलब नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो सफिशियंट है फॉर सी फोर प्लांट्स टू शो दर मैक्सिमम फोटो सिंथेसिस रेट वाइल आपकी जो सी थ्री प्लांट्स हैं बिकॉज नेचर में सबसे ज़्यादा सी थ्री प्लांट्स ही प्रेजेंट हैं ओके सी फोर प्लांट्स तो बहुत कम हैं सी थ्री प्लांट्स सबसे ज़्यादा हैं और उनका सैचुरेशन जो है मतलब वो अपनी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो फोर फिफ्टी से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड पे ही परफॉर्म कर पाते हैं तो इसके लिए इसका मतलब क्या है सी थ्री प्लांट्स अपनी मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज एटमोसफेयर में तो केवल इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है तो इसका मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूं सी थ्री प्लांट्स के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्योंकि ने यू नो सी थ्री प्लांट्स को जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए टू शो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उतनी तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही नहीं है बल्कि सी फोर प्लांट्स को जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए टू शो दर मैक्सिमम एक्टिविटी वो अवेलेबल है इसीलिए सी फोर प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव दैन सी थ्री प्लांट्स सो रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया सी थ्री प्लांट्स जो हैं वो लेस प्रोडक्टिव होते हैं दैन सी फोर प्लांट्स तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होंगे जो कि सी थ्री प्लांट्स हैं और उनकी आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अस तो ऐसे ही कुछ तीतरी प्लांट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टमेटोज एंड बेल पेपर्स तो ऐसे प्लांट्स को आपको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना ताकि आपके ऐसे प्लांट जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करके ज़्यादा हायर ईल्ड प्रोड्यूस कर सकें इन क्रॉप्स की तो फॉर दैट परपज़ ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है इन ग्रीन हाउसेस तो ग्रीन हाउसेज में आप जानते हैं यू नो क्या कंडीशन प्रेजेंट होती हैं हाई लाइट इंटेंसिटीज़ हाई टेम्परेचर कंडीशन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड दृष्ट एटमोसफेयर मतलब ऐसा एटमोसफेयर जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो जब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है मतलब आपने एटमोस्फेयर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्रीन हाउस के अंदर प्रोवाइड कर दी फॉर ग्रोइंग सच क्रॉप्स तो ऑब्वियसली आपके जो क्रॉप की ईल्ड है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज सो रिमेंबर हाउस गैसेस के अंदर कुछ सी थ्री क्रॉप जैसे कि टमेटोज एंड बेल पेपर्स को इसीलिए ग्रो किया जाता है ताकि उनको एक्सपोज किया जा सके विद इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम ईट ओके तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड फैक्टरचर सो बच्चों फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो मैंने आपको बोला था फोटोसिंथेसिस दो फेज में आकर करती है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में आपके एंजाइम्स तो वर्क करते ही नहीं है और टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट करता है किनकी एक्टिविटी को एंजाइम की एक्टिविटी को बिकॉज एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स जो कि हायर टेम्परेचर्स पे हो जाते हैं डी और लोअर टेम्परेचर्स पे हो जाते हैं इनएक्टिव बट सिंस लाइट रिएक्शन में कोई एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसीलिए दे आर यू नो वेरी लेस सेंसिटिव टू द

है ना हायर टेम्परेचर्स पे दे कैन वर्क एफिशियंटली वाइल सी थ्री प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है दैट इज मच लोअर वैन कंपेयर टू सी फोर प्लांट्स तो सी फोर प्लांट्स जो है वो काफी हाई टेम्परेचर पे वर्क कर पाते हैं वाइल सी थ्री प्लांट जो है वो लेसर टेम्परेचर लगभग ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिग्री तक पे ही अपनी मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करते हैं तो so अगर एक ग्राफ के थ्रू समझाया जाए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस टेम्परेचर को सो यू नो वेरी वेल कि लोअर टेम्परेचर पे क्योंकि इंसाइन इनएक्टिव रहते हैं वो आपको रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस बहुत कम दिखेगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यू विल सी दैर इज एन यू नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस और जैसे ही वो ऑप्टिमम रेंज पे आ जाएगा तो ऑप्टिमम रेंज पे मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी बट अगर ऑप्टिमम रेंज से आप बाहर जाते हैं दैट मीन्स इफ़ यू गो बियॉन्ड दिस टेम्परेचर रेंज तो इसका मतलब रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस फिर से डिक्लाइन कर जाएगा बिकॉज हायर टेम्परेचर पे एंजाइम्स डी हो जाते हैं ओके सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम जो कि क्या है मोस्टली C4 फोर प्लांट्स ओके तो C4 फोर प्लांट्स जो है दे आर अडेप्टेड टू हाई टेम्परेचर ऑफ़ दी ट्रॉपिकल कंडीशन एंड दैट इज वाई इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है दैट इज गोइंट टू भी हायर इन कंपेरिजन टू द टेम्परेट प्लांट्स जो कि मोस्टली सी थ्री प्लाट्स होते हैं तो टेम्परेट प्लांट्स के कम्पेरिजन में ट्रॉपिकल प्लांट्स आर गोइं टू भी हैविंग मोर हाई रेंज ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर Okay.

करवा देता है और चोमेटा अगर बंद हो जाएंगे दिन के टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाएगी जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी तो यू नो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन ओके सो रिमेंबर वन थिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन है दैट डिक्लाइंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट बिकॉज वाटर की कमी है इट इज बिकॉज चोमेटा क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है राइट एंड सेकेंडली अगर वाटर की बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन है तो लीव विल्ट हो जाएंगी और लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा एंड इट रिड्यूसेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में वो भी बहुत कम हो जाती मींस वो बहुत रिड्यूस हो जाती हैं और उसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्लाइन कर जाता है so, this, तो दीज वर ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड विद दिस वी फिनिश अवर चैप्टर तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लान सो आई होप ये लेंदी और बहुत ही ट्रिकी चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा सो so, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हा फ्री है पर बेस्ट है